Pathologist to the वो चाहिए था क्योंकि देखिए नेताजी का किरदार अगर निभाना है मुझे तो मुझे क्योंकि लोग जानते हैं उनको, लोगों ने देखा है, पढ़ा है, उनकी एक तस्वीर है हमारे दिमाग में, तो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर मी एज एन एक्टर टू ट्राई एंड लुक लाइक हिम, यू नो, एज क्लोज टू हिम एज पॉसिबल. तो आप फिट से फैट हुए, उल्टा रिवर्स. नहीं, फैट भी फिटी होते हैं, ऐसे नहीं कि फैट फिट नहीं होते. फिट टू फिट फैट एंड एवरीथिंग लाइक या इट वाज नीडेड फॉर द पार्ट, सो आई गेन्ड अराउंड 12 13 केजीज एंड आई वाज जस्ट हॉगिंग फॉर लास्ट 4 5 मंथ्स ईटिंग एवरीथिंग पॉसिबल. दैट्स एन अमेजिंग लाइफ. वेल ही वाज ईटिंग एंड सो वाज आई एंड ही हैज लॉस्ट ऑल दैट वेट. तो एक कॉन्टेस्ट हम खेलने वाले हैं बात पर, ठीक है? तो तीन बातें मैं आपको बोलूंगी और तीनों में से आपको जो करेक्ट बात लगती है आप जवाब देना. आई वॉन्ट टू फाइंड आउट ये जो जो लोग इस बेहतरीन स्टोरी को वेब सीरीज के तौर पर हमारे लिए लेके आए उनको खुद कितना याद है, ठीक है? तो जो है आप उनके सामने माइक कर दीजिएगा. तो इनमें से कौन सी बात है जो नेताजी ने नहीं बोली, ठीक है? पहली, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा. दूसरी, तभी बोलो जब वो मौन से बेहतर हो. या तीसरी, याद रखिए सबसे बड़ा अपराध अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना है. पहले इन्होंने बोला था एक नंबर तो पत्र देखा वो मिल जाता है. हमारे हीरो साहब भी बिल्कुल ऑन पॉइंट है. अच्छा, नाउ व्हिच वन इज करेक्ट फ्रॉम दीज थ्री? वन डे सुभाष चंद्र बोस वाज कैरिंग एन अम्ब्रेला और गवर्नर जनरल ने ऑब्जेक्ट किया और अम्ब्रेला उन्होंने जनरल के नेक पे रख के उन्हें बोला टू बिहेव हिमसेल्फ. दूसरी बात, वो घर छोड़ के चले गए कानपुर जब उनकी शादी करवाने की बात आई, बिकॉज वो स्लेव इंडिया में शादी नहीं करना चाहते थे. और तीसरी, दैट ही इज क्रेडिटेड एज द पायनियर ऑफ रॉकेट टेक्नोलॉजी इन इंडिया. रॉकेट टेक्नोलॉजी. तभी ये है क्रिएटिव प्रोड्यूसर. बोला था बोला था.